एशियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। बुंदेलखंड के प्रिय नेता स्वर्गीय श्री राज नारायण बुधोलिया रज्जू महाराज के आकस्मिक निधन पर और 13वीं संस्कार में नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी शामिल हुए। 22 अक्टूबर को हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने स्वर्गीय राज नारायण बुधोलिया जी को नम आंखों से फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। आज उनके 13वीं संस्कार में शामिल होकर शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान किया। स्वर्गीय राज नारायण बुधोलिया जो हमीरपुर महोबा विधानसभा से सांसद और विधायक रहे हैं, वो 60 साल की उम्र की राजनीति में निपुण थे। पूरे बुंदेलखंड की जनता को इनसे बड़ा ही स्नेह रहता था। सारी राजनीति बुंदेलखंड की इन्हीं के मार्गदर्शन पर चलती थी। आज लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसे उनके अचानक सबको छोड़ के जाने का। वो सबके प्रिय थे। बुंदेलखंड के सारे नेता, विधायक हो या फिर सांसद, सभी के दिलों में एक धक्का सा लगा इनके अचानक चले जाने से। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राज नारायण जैसा कोई नहीं। मालूम हो कि बीती 10 तारीख को सुबह तड़के पूर्व सांसद राज नारायण बुधोलिया का हृदय गति से निधन हो गया था। आज श्री बुधोलिया के त्रयोदशी संस्कार में जनपद हमीरपुर महोबा सहित दूर दूर से भारी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सड़क मार्ग से पहुंचे और कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम डिप्टी CM स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे और स्वामी को नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित करी। इसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग की और अन्य विकास प्राथमिकता से संबंधित कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहां से डिप्टी CM श्री बुधोलिया के त्रयोदशी कार्यक्रम में चोपड़ा मंदिर के समीप भगवती पैलेस में पहुंचे, जहां पर सांसद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और परिजनों से मिलकर सहानुभूति दी। उन्होंने एक कमरे में पूर्व सांसद के ज्येष्ठ भ्राता पंडित वीर नारायण बुधोलिया, नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व सांसद के अनुज श्रीनिवास बुधोलिया, भतीजे प्रशांत बुधोलिया सहित सभी परिजनों को एकत्रित कर बातचीत करी और श्री बुधोलिया के भतीजे डॉक्टर मनोज बुधोलिया से कहा कि वो अमेरिका से आकर अब यहीं रहें और व्यवस्था देखें। उन्होंने श्री बुधोलिया की जीवन से संबंधित एक वीडियो क्लिप को देखा और श्री बुधोलिया के साथ उनके चित्रों को देखकर कहा कि अतीत की स्मृति है और इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो बुंदेलखंड के शेर थे और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। इसके बाद डिप्टी CM ने सभी से मुलाकात की और पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अपने गंतव्य को निकल गए। इस दौरान BJP प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इंडियन टीवी न्यूज के लिए जिला रिपोर्टर कैलाश चंद्र सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में राठ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रज्जू बुधोलिया जी का आकस्मिक निधन हो गया था, जिस नाते उनकी 13वीं संस्कार में शामिल होने के लिए मैं यहां पर आया था। वो एक बड़े नेता थे और पार्टी के लिए कुछ और अधिक परिश्रम करने की लालसा उनके मन में थी। हम सब आज यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ पहले बैठे थे, पदाधिकारियों के साथ बैठना हुआ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना हुआ, और भी जिला प्रशासन और पदाधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक हम लोगों ने किया है। आज बुंदेलखंड की परिस्थितियां बदली हैं और बुंदेलखंड में 2017 में जब हम सरकार में आए थे, जो एक अव्यवस्था का दौर था, यहां कानून और व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, आम आदमी का निकलना दूभर था। आज 4.5 वर्षों से अधिक हो गया है, कानून व्यवस्था और माफिया तंत्र, खनन, इन तमाम चीजों पर इस सरकार में अंकुश लगा है। मुझे तो याद आता है कि मैं बहुत पहले पिछली सरकार में जब राठ आया था,
तो हमीरपुर से राट आने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे थे और सड़क में गड्ढा थी कि गड्ढे में सड़क थी ये पता नहीं चलता। आज मुझे खुशी है कि 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगा होगा और इतनी अच्छी सड़क से हम लोग यहां पर आ गए। बुंदेलखंड के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में होगा, किसी ने नहीं सोचा था कि कभी एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में होगा। आज एक्सप्रेसवे का काम भी हम लोग देखते हुए आए हैं। एक बदला हुआ बुंदेलखंड लगेगा, जो कभी गरीबी, बेरोजगारी, पानी की कमी, विद्युत की अव्यवस्था, अपराध के बढ़ते हुए ग्राफ से भयाक्रांत थी, आज हर घर नल की योजना तेजी के साथ बुंदेलखंड में बढ़ी है। आज शिक्षा का स्तर हर क्षेत्र में बढ़ा है, हर जिलों में बढ़ा है। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर।